भगवान की बनाई इस सृष्टि में सबसे अमूल्य समय होता है। अमीर हो या गरीब, समय सभी को सीमित मात्रा में मिला है और उसी समय का सदुपयोग करके मनुष्य अद्भुत संपदा, ऐश्वर्य और ज्ञान पा सकता है। वहीं उसका मूल्य ना समझने पर, समय को बर्बाद करने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। आइए संतान को एक प्रेरक कथा के द्वारा यही भाव समझाएं। माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा वन भ्रमण को गए। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोंपड़ी पर पहुंचे। समय पर मिले रूखे सूखे आतिथ्य ने उन्हें तृप्त कर दिया। चलते समय उनने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं, तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर चंदन का एक बाग तुम्हें देते हैं, तुम्हारा शेष जीवन आनंद से बीतेगा। चंदन का वन तो उसे मिल गया, पर चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी न होने से वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर नगर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था बन गई। धीरे धीरे कई वृक्ष समाप्त हो गए। एक बार वर्षा होने के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। आश्चर्यचकित वनवासी ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है, यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा। उसने इतना बहुमूल्य चंदन वन कोयला बनाकर कौड़ी के मूल बेच दिया। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। देखो मेरे बच्चे, यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन भगवान का दिया सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है, पर हम ना समझी में इसका ज़्यादातर समय बर्बाद कर देते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, तुम यह गलती ना करना, समय पर अद्भुत प्रतिभा पाना, ज्ञान अर्जित करना, ताकि तुम अपने जीवन को सार्थक कर सको और बाद में हमें पछताना ना पड़े। सभी माताएं भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस गुण को गर्भावस्था में सिखाने के लिए क्या आप अन्य भी कोई प्रयास करती हैं? आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।